गाइस तो आज की इस वीडियो में आपको ऑनलाइन स्विफ्ट कोड फाइंड करना बताने वाला हूँ। जैसे आप नेट से ऑनलाइन अपना स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप स्विफ्ट कोड निकालेंगे वो बिल्कुल सही रहता है। बैंक से भी पता करेंगे स्विफ्ट कोड तो बैंक से भी पता करने पर वो भी सही रहता है। क्या कि मैं भी पता किया हूँ, मैं ऑनलाइन निकाले थे स्विफ्ट कोड इसी तरह जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ तो भी सही था, और बैंक में जाकर पता किए तो वो भी दोनों मिला है तो दोनों एक सेम ही था। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं या तो बैंक से भी जाकर निकाल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑनलाइन निकालना बताने वाला हूं। तो कैसे निकालना है, तो उससे पहले हमारे चैनल पर नया है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक ब्राउज़र होगा, उसको ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे लिखना है फाइंड योर बैंक। फाइंड योर बैंक इस तरह लिख देना है, फाइंड योर बैंक लिखकर और सर्च करना है। देखिए ये वाला सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये फाइंड योर बैंक लिखकर इस तरह सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वाले साइट आएंगे उस फर्स्ट वाले साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि ये वाला साइट जो है फर्स्ट वाला, इसी वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मांगा जा रहा है यहाँ पे कि आपका देखिए बैंक कौन सा है, बैंक और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच, ये सब देना पड़ेगा आपको, तभी आपका स्विफ्ट कोड निकल पाएगा। तो मैं चलिए सब कुछ यहाँ पर देकर बताता हूँ कैसे निकलता है। तो मैं यहाँ बैंक वाले पे क्लिक करना है और सेलेक्ट बैंक, जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, उसी तरह जो भी आपका होगा वो सर्च करना होगा। तो बैंक यहाँ पे आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको ये वीडियो का अलावा और दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। तो इसको देखते ही आपको स्विफ्ट कोड निकालना बहुत ही आसान तरीका है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च कर दिया, उसके बाद देखिए आप स्टेट सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टेट, तो सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है और जो भी आपका स्टेट है सिलेक्ट करना है। तो मेरा स्टेट बिहार है, मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया हूँ। बिहार सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो इस डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए आगे मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने में तो कुछ इस तरह सर्चिंग आएगा, उसके इस तरह जाए, उसके बाद आपको लास्ट यहाँ पे एक सर्च करना है, सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है, सिलेक्ट योर ब्रांच। यहाँ ब्रांच पे क्लिक करना है, आपका जो भी ब्रांच है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितना सारा आपका ब्रांच है यहाँ पे आपके आसपास का वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो देखिए मेरा ब्रांच जो कि यहाँ पे सरैया ब्रांच पड़ता है, इस सरैया वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपका स्विफ्ट कोड, बैंक IDFC कोड, जितना भी सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। नीचे में देखिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा स्विफ्ट कोड, देखिए स्विफ्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है सामने में, ये स्विफ्ट कोड उसके सामने सामने लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड, यही स्विफ्ट कोड है, बिल्कुल सही स्विफ्ट कोड है। मैं भी यही वाला अपने एडसेंस में ऐड किया हूँ और बैंक में भी पता किया जा करके तो वहाँ पे भी स्विफ्ट कोड यही मिला था, बैंक मैनेजर से पूछा था कंफर्म किया तो बिल्कुल यही सही था। तो ऑनलाइन भी कोई गलत नहीं रहता है, आप ऑनलाइन भी निकाल कर इस तरह अपने बैंक एडसेंस में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ एक बात है, आपको जो स्विफ्ट कोड है गलत नहीं रखना है, गलत अगर उसमें डाल देंगे एडसेंस में तो आपका जो पेमेंट है वो अटक सकता है, इसलिए आपको सही सही पता करके बैंक से भी जाकर आप कन्फर्म करके उसके बाद आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे अपने एडसेंस में। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो सारे यूट्यूब से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं सभी मैं अपने चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।